तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना, वो भी कैसे, बिना पेड़ पे चढ़े हुए, बिना किसी फीते के। ठीक है, क्योंकि फीता यूज करेंगे लेकिन नीचे यूज करेंगे, और इसकी लंबाई नापने के लिए आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका जो छाया होगा उसकी लंबाई आप नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिए। इसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक आपको तो पेड़ है ही, और एक जो पड़ेगा धूप की जरूरत। जैसे कि सूर्य उदय हुआ है तो धूप इसकी लगेगी, तभी तो इसका छाया बनेगा ना। और आपको एक लठ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि 5 या 6 फीट का होना चाहिए बस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सूर्य उदय हुआ है और उसका धूप लग रहा है, तो ये इसकी छाया ऐसे बनते आएगी और यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी छाया बन रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी नाप लेनी है। ये पूरा छाया बन गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक की दूरी आपको नाप लेनी है। आपको यहाँ तक पेड़ की छाया आ रही है, क्योंकि छाया पड़ेगा तो आपको पता ही है कैसे होता है। तो यहाँ तक की दूरी आपने नाप लिया, तो ये आपका मान लीजिए हो गया आपका 24 फुट। ठीक है, 24 फुट हो गया जिसकी पेड़ की छाया की लंबाई। अभी आपको पेड़ की लंबाई याद करनी है, जिसका हम मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लेते हैं अपने मन से कि पेड़ की ऊंचाई इतनी है। अब आपको क्या करना है, तुरंत उसी टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, एक लठ लेना है, यहीं पर ले लीजिए, पास में लगा लीजिए। ठीक है, ये ले लिया आपने, ये कितने फुट का है, 6 फुट का ले लीजिए। ठीक है, 6 फुट का हमने ले लिया लठ, तो इसकी भी तो छाया बनेगी, नॉर्मल सी बात है, इसकी छाया वैसे ही बनेगी, तो इसकी छाया यहाँ तक बन गई। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप नाप रहे हैं तो ये आपका हो गया 8 फुट का। ठीक है, तो 8 फुट की इसकी छाया हो गई, 24 फुट की इसकी छाया हो गई, और इसकी ऊंचाई क्या है, यक्ष है, और इसकी ऊंचाई 6 है। तो आपको क्या करना है, पहले पेड़ का लिखना है, यक्ष बट्टा में 24, ठीक है, बराबर कीजिए 6 करिए। ठीक है, ऊंचाई दोनों का पहले ऊपर लिखना है, तो ऊंचाई पहले लिख लिया हमने, और जो इसकी दूरी है उसको नीचे लिखना है, तो इसका 8 फुट आया है छाया की। अब इसमें देखिए, आपको ये तो हल करना आता ही होगा, चलिए करके दिखा देता हूँ। यक्ष यही छोड़ दीजिए, 24 जो है इधर चला जाएगा, तो 6 × 24 / 8। तो अब देखिए, यहाँ से 8 से 24 कट जाएगा, अतिरिक्त 24 हो जाता है। तो अब क्या होगा, आपके पास 6 और 3 बच रहा है, तो 6 × 3 = 18। ठीक है, तो 18 आ रहा है, यानी 18 फुट इसकी लंबाई है पेड़ की। बहुत आसान है, कितना आसान है वो लोग आप खुद ही कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और एक और ट्रिक है, ये तो रही दिन की बात, कि दिन में आपको धूप का छाया मिला इसे आप निकालेंगे, लेकिन अगर ये रात वाली बात हो तो आप उसको कैसे हल करेंगे, तो वो भी आसान है। अगर सीखना है उसको भी, तो आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले उस वीडियो का वेट कीजिए, वो वीडियो आते ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। और अगर देखिए अपलोड कर दिया होगा तो ऊपर देखिए दिख रहा होगा, देख लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।